हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करिबा ओडिशा ट्राफिक कनेस्टेबल पई जियोग्राफी जिके रे किछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगरो आमे 510 क्वेश्चन डिस्कशन करि सारिचे। जो माने देखिनांती प्लेलिस्ट रे वीडियो जे देखिनियंतु। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्वरु जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती एवं सब्सक्राइब करनियंतु पाखरे थिबा घंटी चिन्ह रे दबाई दियंतु, जाहाद्वारा कि मु जेतेबेले भी कोनोसी वीडियो अपलोड करिबि आपण माने सर्वप्रथम देखिपरिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। ए क्वेश्चन टी आपण मानको पूर्व वीडियो रे होमवर्क देथिली। क्वेश्चन टी कोन रहीचि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी रो वाणिज्यिक स्रोत कोनटा। एयर सटीक आंसर टी होउचि नेचुरल गैस। एनर्जी रो कमर्शियल सोर्स होउचि नेचुरल गैस। चलंतु स्टार्ट करिबा आजर प्रथम क्वेश्चन। आज प्रथम क्वेश्चन टे कौन रही, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय। नेशनल हाईवे रो डेवलपमेंट पई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किए आरंभ करथिले। एयर सटीक आंसर टी होउची अटल बिहारी वाजपेयी। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कौन कौन राज्य को कनेक्ट करुची, ना दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आउ मुंबई। नेशनल हाईवे रो डेवलपमेंट पई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी आरंभ करथिले। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कौन कौन राज्य को कनेक्ट करुची, ना दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आउ मुंबई को। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस हेज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया। इंडिया रे पावर जनरेशन रो लार्जेस्ट शेयर कौन सोर्स रो रही छि। एयर सटीक आंसर टी होउची थर्मल पावर। पाखापाखी 67% शेयर रहउची। तो इंडिया रे पावर जनरेशन रो लार्जेस्ट शेयर थर्मल पावर रो रही छि, पाखापाखी 67%। नेक्स्ट, इन इंडिया द ब्लैक रिवल्यूशन इज रिलेटेड टू द मानुफैक्चरिंग ऑफ व्हिच प्रोडक्ट। इंडिया रे ब्लैक रिवल्यूशन कौन प्रोडक्टर मानुफैक्चरिंग सहित संबंधित। एयर सटीक आंसर टी होउची क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम को आउ कौन कहा जाए, ना ब्लैक गोल्ड मध्य कहा जाए। इंडिया रे ब्लैक रिवल्यूशन सहित क्रूड पेट्रोलियम संबंधित। क्रूड पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड मध्य कहा जाए। नेक्स्ट, व्हिच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। हार्ड कोल रो हाईएस्ट क्वालिटी कौनटा। एयर सटीक आंसर टी होउची आंथ्रासाइट। हार्ड कोल रो हाईएस्ट क्वालिटी होउची आंथ्रासाइट। नेक्स्ट, सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट कौन पई यूज हेथाई। एयर सटीक आंसर टी होउची नेविगेशन। नेविगेशन पई सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज हेथाई। नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया रे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौनटा। एयर सटीक आंसर टी होउची NH-44। NH-44 क्या क्या को कनेक्ट करुची, ना श्रीनगर एवं कन्याकुमारी को। NH-44 लेंथ केते, ना 3745 किलोमीटर। तो यार मन रखु NH-7। NH-7 हूँ इंडिया रो लॉन्गेस्ट सिंगल नेशनल हाईवे। NH-7 रो लेंथ केते, ना 2369 किलोमीटर। तो इंडिया रे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे होची NH-44। से क्या क्या को कनेक्ट करुची, ना श्रीनगर एवं कन्याकुमारी को। तार लेंथ होची 3745 किलोमीटर। आउ इंडिया रे लॉन्गेस्ट सिंगल नेशनल हाईवे होची NH-7, तार लेंथ होची 2369 किलोमीटर। जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे इंडिया रे लॉन्गेस्ट सिंगल नेशनल हाईवे कौनटा, तेल आंसर है जो NH-7। जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे
इंडिया रे लॉन्गेस्ट नेशनल हाइवे कौनटा ताले आंसर हो एनएच 44। यठार समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रही आपण मानक मन रखापी पड़े। नेक्स्ट एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया रे कौन राज्य रे एशिया रे प्रथम अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट अवस्थित। यार सठिक आंसर टी हूँ हिमाचल प्रदेश। इंडिया रे हिमाचल प्रदेश राज्य रे एशिया रे प्रथम अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट अवस्थित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानक मन रखापी पड़े। नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट यूरानियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। इंडिया रो मोस्ट इंपोर्टेंट यूरानियम खणी कौंठारे अवस्थित। यार सठिक आंसर टी हूँ जड़ुगड़ा। जड़ुगड़ा कौंठार रही झारखंड रे। इंडिया रे मोस्ट इंपोर्टेंट यूरानियम खणी कौंठार रही जड़ुगड़ा झारखंड रे। नेक्स्ट व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हेज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मोनाजाइट विथ हाई थोरियम कंटेंट। अधिक थोरियम कंटेंट सहित मोनाजाइट रो लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया रे कौन राज्य रे रही। यार सठिक आंसर टी हूँ केरल। हाई थोरियम कंटेंट सहित मोनाजाइट रो लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया रो केरल राज्य रे रही। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मांगानीज इन इंडिया। इंडिया रे कौन राज्य रे अधिक मांगानीज उत्पादन होउछि। यार सठिक आंसर टी हूँ मध्यप्रदेश। इंडिया रे मध्यप्रदेश राज्य रे अधिक मांगानीज उत्पादन होउछि। नेक्स्ट गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया बिकॉज। इंडिया रे गुजरात रे कौन पई लुण अधिक उत्पादन होउछि। यार सठिक आंसर टी हूँ इट इज एक्सटेंसिव ड्राई कॉस्ट। तो गुजरात रे अधिक ड्राई कॉस्ट रही सेथिपाई गुजरात रे अधिक लुण उत्पादन होउछि। नेक्स्ट इन इंडिया देयर आर मेनी कोल फील्ड्स फाउंड इन। इंडिया रे अधिक कोइला फील्ड कौंठारे मिलिथाय। यार सठिक आंसर टी हूँ दामोदर भैली। इंडिया रे दामोदर भैली ठारे अधिक कोइला फील्ड मिलिथाय। नेक्स्ट व्हिच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता भाया मथुरा एंड वाराणसी। मथुरा एवं वाराणसी दे दिल्ली एवं कोलकाता को कौन नेशनल हाईवे कनेक्ट करुछि। यार सठिक आंसर टी हूँ एनएच 2। मथुरा एवं वाराणसी दे दिल्ली एवं कोलकाता को एनएच 2 नेशनल हाईवे कनेक्ट करुछि। नेक्स्ट व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर द्वारा कौन दुई जन कनेक्ट होती। यार सठिक आंसर टी हूँ श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर द्वारा श्रीनगर एवं कन्याकुमारी कनेक्ट होती। नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। इंडिया कौन पड़ोसी देश में वर्ल्डर अधिक ओपियम उत्पादन हो। यार सठिक आंसर टी हूँ अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान पड़ोसी देश में वर्ल्डर अधिक ओपियम उत्पादन हो। नेक्स्ट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माने कौन। यार सठिक आंसर टी हूँ डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माने हूँ बर्थ रेट एवं डेथ रेट रो डिफरेंस। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हेज द मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन। कौन भारतीय राज्य रे अधिक एसटी रही चंती। यार सठिक आंसर टी हूँ मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश रे अधिक शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन रही चंती। नेक्स्ट इन इंडिया द स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। इंडिया रे कौन राज्य रे पॉपुलेशन रो हाईएस्ट डेंसिटी रही। यार सठिक आंसर टी हूँ बिहार। तो लिस्ट डेंसिटी कौंठारे रही ना अरुणाचल प्रदेश रे। तो इंडिया रे पॉपुलेशन रो हाईएस्ट डेंसिटी रही बिहार रे। लिस्ट डेंसिटी रही अरुणाचल प्रदेश रे। नेक्स्ट द इंडियन स्टेट विथ लोएस्ट
सेक्स रेशियो इज कौन भारतीय राज्य रे लोएस्ट सेक्स रेशियो रही यार सठिक आंसर टी हूँ हरियाणा हरियाणा रे लोएस्ट सेक्स रेशियो रही। नेक्स्ट व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हेज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स इंडिया रे कौन राज्य रे अधिक गरीब रही यार सठिक आंसर टी हूँ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य रे अधिक गरीब रही। जो माने वीडियो को लाइक करना फटाफट लाइक कर दिंतु एवं सांग मानक सहित शेयर मध्य कर दिंतु। नेक्स्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन तो भारतीय लोक संख्यार केते परसेंटेज पॉवर्टी लाइन रो तले रही यार सठिक आंसर टी हूँ लेस देन 30% भारतीय लोक संख्यार 30% रु कम पॉवर्टी लाइन रो तले रही। नेक्स्ट द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटोरी इन इंडिया इज इंडिया रे अधिक शिक्षित यूनियन टेरिटोरी कौनटा यार सठिक आंसर टी हूँ लाक्षाद्वीप इंडिया रे अधिक शिक्षित यूनियन टेरिटोरी हूँ लाक्षाद्वीप। नेक्स्ट इन व्हिच स्टेट फीमेल लिटरेसी रेट इज द हाईएस्ट कौन राज्य रे फीमेल लिटरेसी रेट अधिक रही यार सठिक आंसर टी हूँ केरल केरल राज्य रे महिला मानकर साक्षरता हार अधिक रही। नेक्स्ट व्हेयर आर खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली फाउंड इन खासी एवं गारो ट्राइब्स मुख्यतः कौंठारे मिलिथाय यार सठिक आंसर टी हूँ मेघालय खासी एवं गारो ट्राइब्स मेनली मेघालय ठारे मिलिथाय। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हेज द लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन राज्य रे साक्षरता हार कम रही यार सठिक आंसर टी हूँ बिहार बिहार रे लिटरेसी रेट कम रही। नेक्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पॉपुलेशन व्हिच ड्यूरेशन पीरियड इज रिफर्ड टू एज ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड तो इंडिया पॉपुलेशन रो हिस्ट्री रे कौन टाइम पीरियड को ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कह जाए यार सठिक आंसर टी हूँ 1951 टू 1961 तो इंडिया रे पॉपुलेशन हिस्ट्री रे 1951 रु 1961 रो टाइम पीरियड को ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कह जाए। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका रे इंडिया रे जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन रही तार नाम कौन यार सठिक आंसर टी हूँ दक्षिण गांगोत्री साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका रे इंडिया रे जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन रही तार नाम हूँ दक्षिण गांगोत्री एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानक मन रखापी पड़ नेक्स्ट व्हेन डिड इंडिया एडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम इंडिया केबे स्वीकार करथिला यार सठिक आंसर टी हूँ 2006 इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम इंडिया 2006 मसीह एडॉप्ट करथिला। नेक्स्ट नेशनल फ्लड कमिशन इज रिलेटेड टू नेशनल फ्लड कमिशन का सहित संबंधित यार सठिक आंसर टी हूँ फ्लड तो नेशनल फ्लड कमिशन को आउ कौन कह जाए ना राष्ट्रीय बार आयोग। नेशनल फ्लड कमिशन रो प्रतिष्ठा केते मसीह रही थिला ना 1976 मसीह रे नेशनल फ्लड कमिशन फ्लड सहित संबंधित नेशनल फ्लड कमिशन को आउ कौन कह जाए ना राष्ट्रीय बार आयोग नेशनल फ्लड कमिशन रो प्रतिष्ठा होता 1976 मसीह रे। नेक्स्ट व्हिच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इंडिया रे लेक डिस्ट्रिक्ट क्या कह जाए यार सठिक आंसर टी हूँ नैनीताल इंडिया रे नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कह जाए। नेक्स्ट नेशनल वाटरवे वन इज ऑन व्हिच वाटर सिस्टम नेशनल वाटरवे वन कौन वाटर सिस्टम रे रही यार सठिक आंसर टी हूँ गंगा भागीरथी हुगली रिवर नेशनल वाटरवे वन
गंगा भागीरथी हुगली रिभर वाटर सिस्टम रे रही। नेक्स्ट व्हिच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। कौ हिल स्टेशन रो नाम माने प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। एर सठिक आंसर टी होची दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिल स्टेशन रो नाम माने प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया रे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौनटा। एर सठिक आंसर टी होची गोरखपुर। तो तार लेंथ केते ना 1.3 किलोमीटर। इंडिया रे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म होची गोरखपुर। तार लेंथ होची 1.3 किलोमीटर। एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानको मन रखिया पय पड़िबो। नेक्स्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन राज्य रे रही। ए क्वेश्चन टी आपण मानको होमवर्क दउची। ए क्वेश्चन आंसर टी आपण मानको कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पय पड़िबो। तो आज आम जियोग्राफी क्लास कम्प्लीट हो गला। आगर हिस्ट्री आउ इकोनॉमिक्स क्लास कम्प्लीट हो सारी। जो मैंने देखी ना प्लेलीस्ट रे वीडियो जाए देखी नि। तो आज मोर वीडियोटी आपण मानक केमी लगला जदि भल लगला तेल गोटे लाइक कर दिंतु आंग मान सहित फेसबुक ह्वाट्सअप सब सेयार कर दिंतु। आई वीडियो सब देखापी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखु। आजपाई ये रखुच्छी। जय जगन्नाथ।